कौन बनेगा सुल्तान। तो उत्तर प्रदेश का कौन बनेगा सुल्तान, इसके नतीजे आ चुके हैं। रुझानों में इस वक्त बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 295 सीटों के साथ बीजेपी उत्तर प्रदेश की लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी है। कह सकते हैं तमाम एग्जिट पोल्स को यूपी की जनता ने पीछे छोड़ दिया है। एग्जिट पोल्स को कल तक खरीदा हुआ बताया जा रहा था, पैसों के दम पर बनाया हुआ बताया जा रहा था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की जनता ने फैसला कर दिया है कि वो किसके साथ है। साफ तौर पर यूपी की जनता ने एक मैसेज देने की कोशिश की है और बताया है कि अब जाति और धर्म की राजनीति इस देश में, इस प्रदेश में नहीं होने वाली। अब जनता बात करेगी तो सिर्फ विकास की बात करेगी, विकास के मुद्दों पर बात करेगी। आपको बता दें, यूपी के साथ साथ उत्तराखंड में भी अप्रत्याशित जीत बीजेपी को मिल रही है। इसके साथ साथ अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में गठबंधन को कुछ भी मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। गठबंधन काफी पीछे है, कांग्रेस वहां पर आगे दिखाई दे रही है। संवाददाता आजम खान हमारे साथ सहारनपुर से जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। आजम, सबसे पहले आपके पास आऊंगा, क्या कुछ हालात है वहां के? आजम आप मुझे सुन पा रहे हैं? आजम क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, तकनीकी दिक्कतों के कारण आजम खान से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर देवबंद की बात करें, मुस्लिम बहुल इलाकों की बात करें, तो वहां पर भी बीजेपी की जीत हुई है। बीजेपी ने वहां पर जीत का परचम लहराया है। ये 300 के आसपास का आंकड़ा यूं ही नहीं आया है, यूं ही नहीं 300 के आसपास बीजेपी पहुंच गई है। प्रचंड बहुमत उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता राहुल वर्मा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। राहुल वर्मा से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कौन सी वो कमियां रही जिनकी वजह से उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को नकार दिया। बातें कर रहे थे कि बहुमत की सरकार बनाएंगे दोनों मिलकर, यूपी के अपने लड़के हैं, बाहरी लोगों को गोद न लिया जाए। तो ऐसे में यूपी की जनता ने इन लोगों को दरकिनार क्यों किया? क्यों राहुल गांधी और अखिलेश का साथ उत्तर प्रदेश को पसंद नहीं आया? राहुल वर्मा जी, सबसे चौंकाने वाले नतीजे आए हैं, शायद इसकी उम्मीद हम भी नहीं कर रहे थे कि इस तरीके के नतीजे आएंगे। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, जनता का निर्णय सर्वप्रिय होता है और जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी को चुना वो एक जनता का निर्णय है, लेकिन निश्चित रूप से ये एक अप्रत्यक्ष जीत भारतीय जनता पार्टी की जो हुई, उसमें सीधा सीधा हम यही कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो मुहिम चलाना चाहते थे, जो वो चाहते थे, उसमें वो कामयाब हुए। और निश्चित रूप से आने वाले समय में जनता को उनकी झूठी बातों के बारे में पता लगेगा और निश्चित रूप से जो आने वाला समय होगा वो समाजवादी पार्टी का एक अच्छा समय।